नमस्कार साथियों, आप सबका परिवर्तन आईएएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज यानी 3 जून 2018 के द हिंदू को डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। हालांकि आज एडिटोरियल तो नहीं आते, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट जितनी न्यूज़ है उनको हम कवर करेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। देखिए, अगर फर्स्ट न्यूज़ हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, अरविंदो केस पर ये बातचीत है। देखिए, 1908-09 में केस होता है जिसको अलीपुर बॉम्ब केस ही बोला जाता है। उसके अंदर अरविंदो घोष और उनके भाई, उनके साथ साथ उनके भाई जो बर्लिन घोष थे, उनको भी एक्यूज किया गया। हालांकि जो इसमें मेन जिन्होंने बॉम्ब फेंका था वो थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इन अप्रैल 1908 में, ठीक है। और लॉर्ड हार्डिंग पर इन्होंने बम का अटैक करने, सॉरी किंग्सफोर्ड मैजिस्ट्रेट थे जो मुजफ्फरपुर के, डगलस किंग्सफोर्ड पर, और ये बंगाली नेशनलिस्ट थे। बंगाल में जो मूवमेंट चल रहा था, और बंगाल सबसे बड़ा रीजन माना जाता है मूवमेंट्स का स्टार्टिंग से ही, क्योंकि जब ब्रिटिशर आते हैं तो वो कलकत्ता से ही स्टार्ट करते बेसिकली, और आप देखते होंगे बंगाल से उनका राजनीतिक करियर शुरू होता है, ठीक है। यहाँ जितने भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए हैं, अनुसूलन समिति, इस तरह की समितियां जरूर आप लोग पढ़िए, ठीक है, ये क्या थी, किस तरीके से काम करती थी। और जो केसेस हैं, जैसे यहाँ पर अलीपुर केस की बात की गई है, लाहौर केस है, मेरठ केस है, काकोरी केस है, इसके अलावा चटगांव केस है, ये सारे केस जो है वो ज़रूर हम लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। और अरविंदो घोष तो बहुत फेमस पर्सनैलिटी, तो इनको ज़रूर आप लोगों को एक बार देखना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में पेपर्स पर बातचीत हो रही कि पेपर्स में क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, अभी एक न्यूज आई जिसने सबको मतलब चौंका दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बंदा है जिसका नाम है जुबेर अहमद वानी, वो एमफिल स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस से, तो उसने मतलब टेररिज्म को ज्वाइन किया। इसके पीछे रीजन लोग बता रहे हैं कि क्या रीजन हो सकता है। देखिए, ये बोल रहे हैं कि रिलीजियस ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे, ओनली 2% ऑफ द मिलिटेंट्स हैड एवर स्टडीड एट ए मदरसा और रिलीजियस स्कूल। केवल 2% ऐसे लोग होते हैं जो आज तक मिलिटेंट्स को ज्वाइन करते हैं जिन्होंने मदरसा या रिलीजियस स्कूल ज्वाइन किया, बाकी दूसरे होते हैं, ठीक है, 98%। यहाँ पर काम क्या करते हैं, क्या फैक्टर्स काम करते हैं, ज्योग्राफी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रेंड्स फैमिली एंड नेबर्स, सोशल मीडिया शेयर अमंगेस्ट क्लोज ग्रुप हैव हैड ए मच हायर। मतलब कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया जो है सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है किसी भी व्यक्ति को टेररिज्म बनाने में, टेररिस्ट बनाने में इन दिनों में, क्योंकि यूथ होता है एक आइडियोलॉजी को फॉलो करना शुरू करता है कि हम कुछ नया करेंगे, और उसके चक्कर में उसका करियर बर्बाद होता है। तो आप यहाँ देखेंगे, एक PhD होल्डर अगर मिलिटेंसी को ज्वाइन करता है तो वो कितना चैलेंजिंग है किसी भी कंट्री के लिए। ये न केवल जम्मू कश्मीर की बात है, ये पूरे इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है इस तरह की चीजें होती हैं, तो ठीक है। एक सेकेंड। देखिए, यहाँ पर अरबाज खान को बैटिंग जो होते सट्टेबाजी, उसके बारे में पकड़ा गया, उनको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ अरबाज खान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बैटिंग, गैम्बलिंग। लोडा कमेटी आप जानते होंगे, रिपोर्ट दी क्रिकेट में रिफॉर्म से रिलेटेड, उसने बोला था कि बैटिंग को लीगल किया जाना चाहिए, वैलिड किया जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि क्या बैटलिंग जो होती है या बैटिंग जो होती है, गैम्बलिंग जो होती है, सट्टेबाजी जो होती है, उसको कानूनी रूप से सही मानना चाहिए नहीं, जस्टिस्ट को कमेंट करना नीचे, ठीक है। यहाँ हीमोफेलिया से रिलेटेड एक न्यूज है। हीमोफेलिया जो होता है एक ब्लड डिसऑर्डर है, वो आप इस पिक्चर में देखेंगे। जैसे एक जगह है ना, ब्लड का ये क्लोटिंग जो होती है वो प्रॉपरली काम, थक्का जो है नहीं जमता और ब्लड तेजी से बहना शुरू हो जाता है, चोट लग जाती है तो एकदम से मतलब पूरा ब्लड बह जाता है, और उससे वीकनेस मतलब डेथ भी हो सकती है। अगर ब्लड ही नहीं होगा बॉडी में तो ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में बोला गया है कि जो
हीमोफेलिया उसकी कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अवॉइड करना चाहिए फिजिकल एक्सरसाइज को, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ को, और इस तरह की वारफेरिन और हेपरिन जो मेडिसिन आती है उनको अवॉइड करना चाहिए। एस्पिरिन और इब्यूप्रोफेन जो मेडिसिन आती है उनको भी, जो काउंटर मेडिसिन होती है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। ब्रश जो होता है आप टूथपेस्ट जो करते हो डेंटिस्ट के सुझाव से करिए क्योंकि ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है टीथ से, ठीक है। हेपेटाइटिस ए और बी के जो वैक्सीन्स है वो एडवाइस डॉक्टर के एडवाइस पर लें क्योंकि वो एक दूसरे से नेगेटिव असर इसका हो सकता है। तो ब्लड डिसऑर्डर रिलेटेड एक डिजीज़ है ये और इसी पर बातचीत हुई है। तो इस तरह की डिजीज़ को ज़रूर आप लोग देखिए ज़रूर, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये किस कारण होता है, इसका कॉजेज क्या, रीजन क्या है, और उस ब्लड को थोड़ा डिजीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पर ये न्यूज है जो यमुना में जो ये रिवर एक नाला जो है वजीराबाद के पास दिल्ली में बढ़ता है, मुखर्जी नगर काफ़ी करीब है, तो यहाँ ये यमुना में गिरता है। यहाँ एक सवाल हमारे मन में उठता है कि हम लोग क्लीन गंगा की बात करते हैं, नदियाँ तब तक साफ नहीं होंगी जब तक उसकी सहायक नदियाँ साफ नहीं होंगी, और यहाँ तो सहायक नदियों की सहायक नदियाँ, ये छोटी छोटी जो गंगा की सहायक यमुना और यमुना की सहायक छोटी छोटी नदियाँ, ये अगर उसमें गिरेगी तो गंगा कितनी साफ स्वच्छ होगी आप अनुमान लगा सकती है। देखिए पानी का इवन इसको देखते देखते बीमार हो जाएंगे, ऐसे भी हालत होंगे अगर आप इसके पास थोड़ी देर रहेंगे तो बीमार हो सकते हैं। पानी इतना जहर इसमें के अंदर होता है और जो ऑक्सीजन डिमांड होती है यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ही पुअर होती है, अब कैसे इसमें सर्वाइव करेंगे अगर कोई जलीय जीव है, तो ये इमेजिन करना भी मुश्किल है, टफ है। तो क्लीन गंगा या इस तरह के गंगा रिवर को क्लीन करने के प्रोजेक्ट जो है इनके बिना पूरे नहीं हो सकते, इनको काउंटर करना पड़ेगा सबसे पहले। ये क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड है कि लगभग पिछले पांच सालों में क्लिनिकल ट्रायल जो है वो इंडिया में बहुत बड़े हैं। अब क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है कि मार्केट में जो मेडिसिन आती है उससे पहले काफ़ी रिसर्च किया जाता है और मेडिसिन पर काम किया जाता है बहुत सालों तक, लैब में एनिमल पर टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद वो अगर सेफ है तो वो ह्यूमंस के लिए प्रोडक्ट की जाती है, और इस सारे प्रोसेस में लगभग 12 से 15 ईयर लगते हैं। 10,000 में से केवल 10 ऐसी मेडिसिन होती है जो प्रॉपरली वर्क करती है, तो ये कितना चैलेंजिंग होता है किसी भी कंट्री के लिए। इंडिया में काफ़ी ग्रोथ बढ़ी है, ठीक है, अभी जैसे इंडिया में कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो बिना क्लिनिकल ट्रायल के लॉन्च कर दी जाए। इंडिया में 17% ग्लोबल पॉपुलेशन हमारे पास है और 20% विश्व का डिजीज बर्डन हमारे पास है, मतलब लगभग वर्ल्ड के ये ग्लोबल सिनेरियो में जितने डिजीज होते हैं उसका 20% डिजीज तो हमारे यहाँ होते हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया में केवल 1.4% जो है वो ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। तो हमें क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ेंगे। एक इससे साथ जुड़ा मुद्दा होता है एनिमल से रिलेटेड, एनिमल राइट्स क्या है, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स जो होंगे वो मोस्टली होते हैं रैट पर, चूहे पर आपने सुना होगा, या फिर रैबिट्स पर, खरगोश पर, क्योंकि उनकी जो सेल्स होते हैं वो ह्यूमन सेल्स से, मानव कोशिकाओं से काफ़ी मिलते जुलते हैं, ठीक है। इस पर कई ऑर्गेनाइजेशन जैसे पेटा है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जितने एनिमल से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन वो विरोध करते हैं कि एनिमल्स राइट्स की भी बात करिए, ठीक है, तो ये सवाल है। अब एनिमल वर्सेज ह्यूमन का एक जो कंसेप्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का कहीं डिसीजन है, मुझे ध्यान नहीं है, कि अगर बात एनिमल और ह्यूमन राइट्स की एक दूसरे की होगी तो ह्यूमन राइट को प्रेफरेंस दी जाएगी। देखिए ये न्यूज है जो अभी चल रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रावत साहब ने बोल दिया कि नो रिटर्न टू बैलेट पेपर, बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होंगे, ईवीएम इज द बेस्ट वेपन, क्योंकि ईवीएम मैनिपुलेट नहीं होती लेकिन बैलेट पेपर जरूर मैनिपुलेट हो सकते हैं। और जैसे कई जगह न्यूज आती, जैसे वेस्ट बंगाल में न्यूज आती कि सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं मिसयूज कर रही है अपने पावर का, अब ये कितनी सही कितनी गलत इस पे कहना मुश्किल है, लेकिन ये वहां पर चर्चा में इन दिनों काफी है।
देखिए सांग्रीला डायलॉग हो रहा सिंगापुर के अंदर और वर्ल्ड के टॉप लीडर्स यहाँ जाते हैं। सांग्रीला एक होटल है पहले ही बता चुका हूँ, और ये सिक्योरिटी रिलेटेड डायलॉग होते हैं सिंगापुर के अंदर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ के यूएसए के जो डिफेंस सेक्रेटरी है जेम्स मिटस, इनसे मिले मेटिस से और बातचीत करी पीस और ग्लोबल सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ों पर बातचीत उन्होंने करी है। ठीक है, बस इतना ही इसमें कुछ मतलब अभी, क्योंकि जो एग्रीमेंट तो हो ही नहीं सकता, ये बायलैटरल ट्रेड नहीं, बस बातचीत हो सकती है। चंगी बेस सिंगापुर में एक बेस कैंप है जहां पर इंडियन पर्सनल, इंडियन की जो आईएनएस सतपुड़ा है, आईएनएस मीन इंडियन नेवल शिप सतपुड़ा, वो इंटरेक्ट करेगी जो सिंगापुर के उससे है ना, सिंगापुर की जो नेवल है उसके साथ एक दूसरे से एक्सरसाइज भी ये लोग कर रहे हैं। सिनबैक्स जो एक्सरसाइज होती है सिंगापुर और इंडिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज, एग्जैक्टली उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो सिनबैक्स एक्सरसाइज होती है वो हो सकती है इस अब हो रही है या डिले होगी कब होगी, लेकिन आई एन एस सतपुड़ा आई है तो हो सकती है किसी बार हो रही है वो। देखिए ये न्यूज है, आर्कटिक सी रूट नॉट पॉसिबल, कि आप आर्कटिक सी रूट्स के थ्रू नेविगेशन नहीं कर सकते। आर्कटिक एक ऐसा सी है जो क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इफेक्ट झेल रहा है इन दिनों में, और ऐसा माना जाता है कि अगर क्लाइमेट में टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है तो आर्कटिक सी की जो आइस है वो सबसे ज़्यादा पिघलेगी और इसका असर पूरे ग्लोबल पर पड़ेगा और कई कंट्री से डूब सकते हैं। अब यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या, आर्कटिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आर्कटिक पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इकोनॉमिक रूप से, और ये सवाल एक बार यूपीएससी ने पूछा था मेंस में, और प्री में जो सवाल हुआ था वो था आर्कटिक काउंसिल। देखिए आर्कटिक काउंसिल का अगर आप लोगो देखेंगे तो पोलर बियर को लोगो माना गया है, और 1991 में आर्कटिक काउंसिल को रिलेटेड जो है ओटेवा डिक्लेरेशन हुआ था उसमें, और 1996 में फाइनली ये एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। इसमें 8 कंट्री है जैसे कि आप नीचे पढ़ेंगे, इस जस्ट 8 मेंबर स्टेट, इसमें 8 जो कंट्री है वो है कनाडा, डेनमार्क के अंदर ही ग्रीनलैंड और फेरू आइलैंड भी आते हैं, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इसमें ब्रिटेन नहीं आता। आप यहाँ पर देखेंगे ये आर्कटिक ओशन है, और अगर इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करें आप यहाँ देखेंगे इसमें ये कनाडा के जस्ट ऊपर है, और यहाँ से ये जो अलास्का वाला रीजन है यूएसए का, ठीक है, तो यहाँ ये पड़ता रशिया ये है, और ऊपर जो दूसरी कंट्रीज आती हैं उनको कनेक्ट करता है, तो ये यहाँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफिकल लोकेशन इसकी ज़रूर देख लीजिए आप, जब भी मैप खोल लीजिए प्लीज़, ठीक है। तो ये इसमें इन्फॉर्मेशन थी आर्कटिक काउंसिल में, और इंडिया इसका एक ऑब्जर्वर है, चाइना भी इसमें एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, पर्यवेक्षक जिसको बोलते हैं। अब पढ़ते हैं 5 WS में से जो इम्पोर्टेंट है, ये है स्वीता, इनका नाम पूरा स्वीता हेल्पनवर, ये ओल्ड एक 31 ईयर ओल्ड डेंटिस्ट थी। देखिए आयरलैंड के अंदर अभी पिछले दिनों एक रेफरेंडम होता है, वोटिंग होता है किसको रिलेटेड, कि जो वहाँ पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने या फिर जो अबॉर्शन से रिलेटेड एक एक्ट था वो काफ़ी रिजिड था, ये माना जाता था कि मतलब एक कैथोलिक कंट्री होने के, आयरलैंड एक काफ़ी रिलीजियस कंट्री मानी जाती है, तो वहाँ किसी बहुत रिजिड लॉ था कि कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा लॉज में, आप चाहे कुछ भी हो जाए मतलब हालत कैसे भी हो जाए। और इसमें जो एक इंडियन नर्स थी, डॉक्टर डेंटिस्ट थी, उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिली थी, क्योंकि अगर टर्मिनेट नहीं होती प्रेगनेंसी तो उनकी डेथ होनी तय थी, लेकिन उनको किसी भी हालत में परमिशन नहीं मिली और उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद काफ़ी विरोध हुआ और फाइनली रेफरेंडम हुआ वहाँ पर, ठीक है, डबलिन के अंदर, डबलिन इज़ द कैपिटल ऑफ आयरलैंड, और रेफरेंडम में बोला गया कि उस लॉ में लिबरलाइजेशन किया जाए, चेंज किया जाए, और जो अकॉर्डिंग टू मतलब रिक्वायरमेंट है कि कुछ कंडीशंस है कि इन कंडीशंस में टर्मिनेट किया जा सकता है, तो वो हुआ, ठीक है।
ठीक है। देखिए तमिलनाडु में पिछला वीक जो है स्टेलाइट से रिलेटेड काफी चर्चा में रहा। अब इसको समझते हैं ये फंडा क्या है। 1994 आप पीछे चले जाइए 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक, वहां पर एक चीज होती है कि जो कॉपर से रिलेटेड या स्टेलाइट से रिलेटेड जो प्लांट था उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें हुई, काफ़ी हेल्थ पर नकारात्मक असर पड़ा, जिसमें हेडक है, कफिंग एंड चॉकिंग, ब्लेमिंग देम टू डिस्चार्ज फ्रॉम द फैक्ट्री, मतलब जो फैक्ट्री से जो पोल्यूशन निकलता उसकी वजह से सिर में दर्द, खांसी, चॉकिंग, एक गला एक तरीके से रुक जाना, ठीक है, ये इसमें हुई। लेकिन अभी इश्यूज क्या हुआ, पहले तो हाई कोर्ट ने इसको बैन कर रखा था कि आप इसको परमिशन नहीं है दोबारा खोलने की, लेकिन हाई कोर्ट ने फिर इसको परमिशन दे दी। 1998 में बैन किया था, फिर परमिशन दे दी, और जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री उसने भी इसको परमिशन दे दी। ये सब विरोध उसको लेकर हुआ, ठीक है, और इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी हालांकि इसको कवर किया, बहुत सी वॉयलेंस वहां पर देखने को मिली। तो स्टेरलाइट एक कॉपर थी, पोल्यूशन रिलेटेड पहले बंद हो चुकी थी, प्लांट को रीओपन करने पर ये सारा सिनेरियो हुआ है, ठीक है। ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो है फार्मर से रिलेटेड, फेयर प्राइसेस प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ये सारे इंडिया के जितने मेजर प्रोडक्शन है सब, क्योंकि फार्मर्स इंडिया में हर जगह है और फार्मर्स लगभग 60% जो पॉपुलेशन है अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेबल है। तो इन्होंने बताया कि चाहे वो किसी भी राज्य में हो अलग अलग समस्या, हालांकि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो है या फिर जो अनाज पैदा करते हैं अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, और उन प्रॉब्लम में सबसे बड़ी जो कमी है वो है प्राइस का डाउनफॉल होना, या फिर जो उनको प्राइस मिलना चाहिए फेयर प्राइस वो न मिलना, ठीक है। तो इसलिए विरोध भी हो रहा है, भारत बंद का जो ऐलान किया गया वो भी इसका ही एक रीजन दिखाई देता है। लास्ट हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये HIIT का मतलब है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, और इसको मतलब एक तरीके से फिजिकल एक्सरसाइज ही है जो मतलब प्रॉपरली एवरीडे करते हैं उनकी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है उसके बारे में बताया। डेफिनेटली बात, अगर आप फिटनेस रूटीन डेली अपनाते हैं तो उसका हेल्थ पे पॉजिटिव असर पड़ेगा। ये वाली एक इंफॉर्मेशन है पार्किंसन से रिलेटेड। पार्किंसन बोल माना जाता है कि एक मेंटल नर्वस सिस्टम में एक याददाश्त भूलने जैसा डिजीज ये है, और उसके बारे में रिसर्च चल रहा है, कोई ट्रीटमेंट अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। भूल जाता है मतलब कि हम कहाँ हैं, किस तरह की ऐसे जाता, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, पार्किंसंस है, अल्जाइमर, इस तरह की डिजीज आपको दिखाई सुनी होंगे, तो ये सारे उसके बारे में। तो उसके बारे में ट्रायल चल रहा है कोलकाता इंस्टीट्यूट में, और कोई नया क्ल्यू पाया लेकिन उसका सॉल्यूशंस क्या है क्या नहीं अभी उसके बारे में कुछ नहीं है, रिसर्च होते रहते हैं। ये वाला एडिटोरियल जो टीवी पर आया है, टीवी पर बहुत बार आता है, मतलब ये 100% टीवी पर होता संडे को, तो इसमें कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, हालांकि अब थोड़ा लंबा हो गया उसके लिए तो माफ़ी चाहूँगा, संडे को हम थोड़ा कम करते, लेकिन इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।